खाना तो आके रेडी कर ही लिया है जिया ने। हाँ जिया, कुछ बोलना चाहो, गर्मी लग रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं और आर्यन उठ चुके हैं। आर्यन ने चाय फिनिश कर ली है, अब स्कूल जाएगा आर्या। और इधर से आ रही है खुशबू। तू कैसे दे रही है मोटी इतनी? मैंने दे रही है। ये सब्जी दे रही है दोस्तों, भिंडी की सब्जी कितनी अच्छी बनाई है आज। लेट हो गई दोस्तों, आज रोटी नहीं पड़ने टाइम पे, 8-10 पे उठी थी, काफी जल्दी लेट हो गए हैं। आर्यन को स्कूल जाना है, पीएचडी की छुट्टी है, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं रेडी। नाश्ता बना देती हूँ फिर जल्दी से, फिर हम अगली बात में बनाऊंगी। और मैं आ जाएगा, हम वर्क फिनिश करा देता हूँ तब तक। शाम को करता है, करवा दो आप जल्दी से। ये रहा दोस्तों आ जाएगा बैग, और मैं इसे करवाता हूँ होमवर्क। और देखो दोस्तों होमवर्क के नाम से कैसे ओंधा पड़ गए जाके। कम ऑन दोस्तों, फाइनली आ रहा, रेडी हो चुका है अपना होमवर्क करने के लिए, आप करवाता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ दोस्तों। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पूरी शाम से हो रही है। अभी शाम के बज रहे 6:30 कि ऐसे सोती हूँ बस, शाम से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और इसी कारण से आर्यन को लेकर पियाजी गए हैं नीचे कुछ खाने के लिए, दिलाने के लिए, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। और जैसे कि 6:30 बज रहे हैं, तो मैं आर्यन को 6 बजे खाना खिला देती हूँ, पर है ना खड़ा नहीं हो रहा जरा बिल्कुल भी, इसी वजह से वो कुछ दिलाने के लिए लेके गए हैं। फिर और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है कर दिया भाई, मेरे से तो नहीं होगा कुछ भी काम, आप बना लो अपने हिसाब से। तो देखते हैं क्या लेके आते हैं भैया जी, एंड आप लोग बने रहे व्लॉग में, जो भी न्यू है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। पढ़ाई कर रहे थे तो बीच में आ रही धोने लग गया, इसको दिलाने गए हैं। यहाँ एक तो ज़्यादा स्पेशल कुछ मिलता भी नहीं है, मतलब राइस वगैरह, चावल, इडली यही मिलते हैं खाने में, और ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता हमारे जैसे। अब हमें तो हमारा राजस्थानी खाना ही पसंद है। राइस में तो बहुत ही ज़्यादा कम बनाती हूँ, कोई एक महीने में एक या दो बार बनाती हूँ कभी, तो मैं तो वही रोटी सब्जी ही बनाती हूँ फ्रेंड्स। जी उन्हें घबरा रहा, हाथ पैरों में दूर नहीं लग रही, खड़ी होते हैं सब नहीं लेते हैं। सोचा वही हुआ, उसको खाने में ज्यादा मिल चुके हैं पैसे, इसलिए समोसे बनाने बंद कर दिए। समोसे बनाने बंद कर दिए, समोसे नहीं बनाया अभी तक के। दोस्तों आखिरकार खाना तो बना ही लिया है, खाना तो आके रेडी कर ही लिया है जिया ने। और सब्जी देखो कैसे गर्म हो रही है, 3 रोटी और बची है। हाँ जी, कुछ बोलना चाहो, गर्मी लग रही है, खिड़की खोल रखी है टीवी। अभी हालत बेकार है, गुड नाइट। कुछ बैठे बैठे भी आराम नहीं मिल रहा था, सोचा मैं ही बना लेती हूँ, या जैसे बनवा दी ना, तो नहीं पता बोला भी था, मैं ऐसे ही सही नहीं लग रहा था। भूख नहीं लग रही, रोटी
शहर में आके देसी ले जू मैं आज तो हालत ज्यादा खराब हो रही है। खाने का बिल्कुल स्वाद चेंज हो जाता है, वहाँ पे चूल्हे भी बनाते हैं, चूल्हे पे अलग अलग रहता है खाना, और डिफरेंट तो रहता ही है। तो बाकी तो विलेज लाइफ होती है यहाँ, चार दीवारी में सारे दिन बस। यहाँ पे अच्छा लगता है विलेज में आपको? विलेज में अच्छा लगता है, मेरे को घुटन की हो रही थी ना, यहाँ से हवा हवा कुछ भी नहीं आ रही है खिड़की से, हवा बंद है ना आज इसलिए थोड़ी गर्मी, लेकिन है ना घुटन इतने गेट लोग थे, मच्छर आते हैं काफ़ी सारे थे। दोस्तों जोर से हो चुकी है पूरी तरह तैयार, चले अब खाने के लिए। ठीक है तो फिर। और दोस्तों खाना वाना खा लिया है और मेरे हाथ में भी बोतल, बहुत ज्यादा चिल्ड, छत पे है ना बहुत सारी हवा भी खा के आ गए हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा बोला नीचे चलो, तो इसे लग नहीं पा रही है या थोड़ी कम लग रही है। आर्या ने नीचे आने की जिद कर ली, रोने की जिद कर लो लोग, नीचे चलो नीचे चलो, इसलिए हम नीचे आ गए। और काफी अच्छा लग रहा है, मतलब तबीयत ठीक लग रही है, अब पता नहीं घुटन जैसे खाना आता नहीं के बाद दोस्तों अच्छी लग, कोई बात नहीं है जी, तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अब क्या जाए घुटन हो रही है गर्मी, ऊपर जाते जाते तेज हवा लग रही है, फिर यहाँ पे फील हो रहा है, मैं भाई उधर से आ रही है ना हवा, इसलिए इधर की है हमारे मकान के पीछे से आ रही है, ऐसे आ रही है हवा, ज्यादातर हवा इधर से आती है यहाँ पे। क्या हुआ अंदर गया?